celebrate, we create UV. मैं जो बोल रहा हूं वो समझने की कोशिश करो। ये दूसरी बार हो रहा है, इसका भी एक अंत होना चाहिए। भैया एक चाय। एक किंग्स भी देना। मैंने आपको यहाँ पहले कभी नहीं देखा है। मैं यहाँ नया हूँ। अच्छा, आपका नाम क्या है? रॉय मैथ्यू। आप करते क्या हो सर? मैं एक डॉक्टर हूँ। अच्छा, स्मोकिंग करते हुए डॉक्टर को मैं पहली बार देख रहा हूं। ये एड्रेस आपको पता है क्या? ये तो कारू मैडम है। क्या हुआ, वहां पे कुछ गड़बड़ है? अगर आप पूछे वहां कोई गड़बड़ है तो हाँ है, आदमी लोग वहां नहीं जाता है। कुछ लोग गया था मगर वापस नहीं आया। क्या आप कह रहे हैं कि वहां पे एक भूत है? सर, आप विश्वास करें या ना करें, मगर ये सच है। वहाँ गए वो लोग कभी वापस नहीं आए। अगर ऐसा है तो आपने पुलिस में कंप्लेन नहीं किया? पुलिस वाला पूरे डरते हैं सर। गांव वाले बोल रहे कि वहाँ अभी भी एक बूढ़ी रहती है। अच्छा, आप सीधा जाइए सर, वहाँ राइट मुड़ो सर, वहाँ दूसरा घर आइए, वहाँ जाके पूछो सर, ओनर भी वहाँ ही रहता है।
यहाँ पे भूत नहीं है, वो सब बकवास है। हाँ, इस घर में कुछ गड़बड़ है। यहाँ पे रहते समय जो कुछ हमें याद है वो सब भूल जाएंगे। सच बोले तो तुम्हें अब तुम्हारा नाम ही याद नहीं है, तुम्हें अब तुम्हारा नाम ही याद नहीं है। तू तो जानता है ना, इधर आके 5 साल हो गया। 5 साल के बीच ये दूसरी बार हो रहा है। क्या आप वो बुढ़िया को बुला सकते हो? कौन बुढ़िया? मैं 2 दिन पहले उनसे मिला था। यहाँ कोई बुढ़िया नहीं है, सिर्फ मैं और मेरे फैमिली रहते हैं। आइए साहब, बैठिए। आपने जो एड्रेस दिखाया था मैं वहाँ गया, लेकिन वहाँ कोई भूत नहीं है, वहाँ सिर्फ एक पागल बुढ़िया रहती है। आप कौन सा घर के बारे में बता रहे हैं? अरे मैं वही घर का बात कह रहा हूँ, तुम लोगों ने ही तो बताया वहाँ भूत है। अच्छा, वहाँ भूत भी कुछ नहीं है, अभी तक मरामत हो रही है। किसी से आपसे खेला है? अरे यार, आप मुझे उल्लू बना रहे क्या? तुम सब ने मुझे बताया कि वहाँ पे एक भूत है। वाला पूरे डरते हैं सर। तू अपना नाम ही भूल जाएगा। अच्छा, वहाँ भूत भी कुछ नहीं है, अभी तक मरामत हो रही है। किसी से आपसे खेला है? सिर्फ मैं और मेरे फैमिली रहते हैं। डॉक्टर रॉय मैथ्यू? ओ सॉरी, सिर्फ आज ही मेरा ड्यूटी है, इसके बाद 1 हफ्ते के बाद ही आऊंगा मैं। तो ठीक है, मैं ऐसा ही कर देता हूं। ओके। ये तो दूसरी बार यहां से तू एस्केप हो रहा है, तुम्हें रियलिटी एक्सेप्ट करना चाहिए। खुद एक कहानी लिख लिया तू, और तू खुद हीरो है वो कहानी की। देखो, स्किज़ोफ्रेनिया यही तेरा रोग है। हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करेंगे, चेन से ना बांधेंगे, मगर बात क्या है तो
यू आर टू इंटेलिजेंट एंड भयानक भी। तू दो आदमियों को मारा है, एक है एलेक्स और दूसरा सैमुअल। सैमुअल तो एक फोटोग्राफर था, मगर यह समस्या क्या है तो तू अपने आप उन लोगों को फिर रिक्रिएट करता है। तू समझ कर रखा है तू सैमुअल है, अपना झूठा दुनिया में तू जी रहा है। एलेक्स केस में भी यही हुआ है। डॉक्टर, आप बस कीजिए ना प्लीज। अपना नाम भी बिल्कुल भूल गया, तेरे को भरोसा रहना है। यही हॉस्पिटल में तू पिछले 5 साल से पेशेंट है।